युवा कांग्रेस की जिला इकाई अब जल्द ही घोषित होनी है, जिसे लेकर युवा कांग्रेस के ग्रामीण नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में पद के लिए आवेदन देने वाले कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने वन टू वन चर्चा की है। देखिए ये रिपोर्ट। गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस ग्रामीण इकाई की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां संगठन विस्तार के साथ ही आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस दौरान जिला युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं से वन टू वन संवाद भी किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो आप लोग बैठे हो, हम भी एक सपना देखते थे कि इस प्रथम श्रेणी में हम कब आएगा, और वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों का सेवा करें, कहीं ना कहीं रात दिन मेहनत करी और वो दिन आया भी। शुरुआत उस कांग्रेस से करी थी और इसी जहां पर इस हॉल में सबसे पहला भाषण जब शुरुआत करी थी तो ये हाथ में कांपते थे, बोलना आता भी नहीं था, डर भी लगता था, एक फोबिया था कि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं सब भाइयों का प्रेम मिला और उपस्थिति हर कार्यक्रम में देने के बाद भी फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ कमी है। निरंतर उसका प्रयास करते गए और सभी भाइयों का आशीर्वाद मिलता गया और आज इस मुकाम पे है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अच्छा लगता है कि मैं कांग्रेस से। बैठक में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव, विधायक विशाल पटेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत बौरासी, महासचिव सोमिल नाहटा और जिलाध्यक्ष दौलत पटेल ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। आज यूथ कांग्रेस की मीटिंग जो रखी गई वो एक संगठन को मजबूत करने के लिए और किस तरीके से संगठन में वही आदमी को मौका मिले जो वास्तव में काम करता हो, जो कांग्रेस के लिए बूथ पर लड़ाई लड़ता हो, इसी विस्तार के साथ आज प्रभारी हमारे नाहटा जी यहाँ पर पधारे और उनकी अगुवाई में यह मीटिंग यूथ कांग्रेस की ग्रामीण की मीटिंग आयोजित की गई। तो उसमें ये हमारे युवा साथी है, यह हमारी संगठन के हमारी पार्टी के कर्ता धरता है और मैं इन पे नाच करता हूँ कि जिस तरीके से यही लड़ाई लड़ते हैं और यूथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करते हैं। आज युवक कांग्रेस की विस्तार संबंधित एक बैठक थी। लगातार हम उस प्रयास में थे कि जो चुनाव में कुछ पद खाली थे और जो ऐसे युवा जो लगातार यूथ कांग्रेस से जुड़ना, कांग्रेस के विचार से जुड़ना चाहते हैं, उनके काम को देखते हुए, उनकी भूमिका को देखते हुए उनको आगे दायित्व देने का काम हमने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन सब के समन्वय से इस काम को करने का काम। ये अलग अलग स्तर पे है, हर प्रत्येक विधानसभा स्तर पे है। जो चुनाव के टाइम खाली रह गई थी उसके अतिरिक्त कुछ नियुक्तियां हैं। ये वार्ड अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, इसमें विभिन्न पदों पर और हर स्तर पर नियुक्तियां होगी। तो जिले की बॉडी की और विधानसभा बॉडी की हम आज ये कार्यकारिणी को हमने यहाँ बैठक ली थी। देखिए, जैसा कि संगठन का आदेश हुआ था कि युवक कांग्रेस में जो पदों का, जैसा कि चुनाव के माध्यम से यहाँ पर पद दिए जाते थे, परंतु संगठन का आदेश हुआ है कि भाई जो अच्छे युवा है जो कि चुनाव लड़ने से वंचित रह गए हैं, उन युवाओं को हम नियुक्त करें। तो जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर स्तर पर और पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर हम ये नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय हमारे प्रभारीगण, आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हम लोगों की बैठक हुई जिसमें समस्त जिले से, जिले की जो चारों विधानसभा हैं, रव विधानसभा, महू विधानसभा, देपालपुर विधानसभा और सांवेर विधानसभा, चारों विधानसभा के अंतर्गत हमारे जो पदाधिकारी हैं जिनको हमें नियुक्त करना है, जिन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया, सभी से परिचय हुआ है। आदरणीय हमारे जो प्रभारीगण हैं वो भी उनसे वन टू वन अभी चर्चा करेंगे और नियुक्तियों पर हम जल्दी निर्णय लेकर जल्दी इसकी लिस्ट जारी होगी। बैठक के बाद अब जल्द ही युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी घोषित किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।